जीवन पृथ्वी का एक अमूल्य गहना जो इस ग्रह के कोने कोने में फैला हुआ है। क्या आकाश, क्या जल, क्या थल, पृथ्वी पर हर जगह जीवन थिरक रहा है। पृथ्वी के सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसानों का आज इस ग्रह पर वर्चस्व है। पृथ्वी की बाकी सभी प्रजातियां अभी भी अपना भोजन ढूंढकर उसे खाने में मग्न हैं, लेकिन हम इंसान सारी बेड़ियों को तोड़ दूसरे ग्रहों पर भी जाने का दमखम रखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का मूल बीज तो एक ही था, उसी मूल बीज से क्रमिक विकास के चलते जीवन की अलग अलग शाखाएं निकलती गईं, और आज हम इंसान जीवन रूपी इसी विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर वर्चस्व न होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को न अपनाते। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति का एक बेरहम नियम है। जो शक्तिशाली होता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है, और कमजोर को ये प्रकृति स्वीकार नहीं करती। नेचुरल सिलेक्शन को कछुओं के इन बच्चों से समझते हैं। कछुए हमेशा अपने अंडों को समुद्री जीवों से सेफ रखने के लिए समुद्र से दूर एक सुरक्षित स्थान चुनते हैं, और समुद्र से दूर कछुए रेत के नीचे अपने अंडों को गाड़ देते हैं ताकि जमीन पर मौजूद कोई जानवर उनके अंडों को ना खा जाए। जब ये अंडे पोषित हो जाते हैं और इनसे कछुओं के नन्हे बच्चे बाहर निकलते हैं तो प्रकृति अपनी बाहें फैलाकर इनका स्वागत करती है। लेकिन अगर इन कछुओं को इस प्रकृति का आनंद उठाना है तो इनको एक कड़ी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। जो भी कछुए का बच्चा इस परीक्षा में पास होगा वही इस प्रकृति का आनंद उठा पाएगा और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा। जो फेल हुआ उसका ये प्रकृति परित्याग कर देती है। जब कछुओं के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो दूर समुद्र का पानी नजर आ रहा है वो उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं। प्रकृति की कठिन परीक्षा शुरू होती है। कछुओं के नन्हे बच्चे समुद्र की ओर दौड़ लगा देते हैं, लेकिन आसमान में उड़ रहे पक्षी न जाने कब से इन नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाने की ताक में थे, और आज इन पक्षियों को अपना पसंदीदा भोजन मिल चुका है। पक्षी इन कछुओं के बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब इन नन्हे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत तेज दौड़ना होगा। अगर वो आज तेज नहीं दौड़ेंगे तो फिर कभी भी वो इस प्रकृति का आनंद नहीं उठा पाएंगे। जो मजबूत होते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जो कमजोर होते हैं उनकी इस प्रकृति में कोई जगह नहीं। जब मजबूत कछुओं के बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो समुद्र की लहरें अपना हाथ फैलाकर इन नन्हे बच्चों को अपने में समेट लेती हैं। अब ये नन्हे बच्चे प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं और बड़े होकर अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के इसी चुनाव को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इंसान ना जाने कितनी ही बार नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं, और आज भी हम प्रकृति के इसी चुनाव से होकर गुजर रहे हैं। हम पिछले 4 अरब सालों से प्रकृति की मार को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने ना जाने कितनी ही बार महाप्रलयों को देखा है, ना जाने कितनी ही प्रजातियों को विलुप्त होते हुए देखा है, लेकिन जीने की जिद हमने कभी नहीं छोड़ी। और इसी जीने की जिद्दोजहद के चलते हमारा जीवन का सफर बहुत ही रोमांच से भरा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करने वाले हैं अपने अतीत में। हम जानेंगे कि कैसे सिंगल सेल से आज की ये जटिल लाइफ बनी, कैसे हमने प्रकृति के नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, वो कौन सी घटनाएं थीं जिनके घटने से आज हमारा ये जीवन यहाँ तक पहुंच पाया, और इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास ने कैसे हमें आज का इंसान बनाया। अभी से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल नर्क की तरह था। हर जगह धधकता हुआ लावा फैला हुआ था। गैस और धूल के बादलों ने पूरी पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा था। पृथ्वी की ऐसी परिस्थितियों को देखकर लगता नहीं कि कभी इस पर करोड़ों प्रजातियां फल फूलने वाली हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के ऐसे माहौल में पहली बार जीवन के बीज का जन्म हुआ। अब असल में जीवन का वो पहला बीज पृथ्वी पर कहाँ से आया, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। वैज्ञानिक जीवन के पहले बीज के बारे में अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन का पहला बीज किसी उल्का के साथ अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर आया, तो कुछ मानते हैं कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर पानी में कुछ रसायनों के मिलने से स्वतः ही पैदा हो गया। लेकिन मेरे, आपके और पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवन का सफर 4 अरब साल पहले पृथ्वी के नर्क जैसे माहौल में पानी के अंदर सिर्फ एक कोशिका के रूप में यानी सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। ये जो आप सेल देख रहे हो ये हमारा पूर्वज है,
और इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज। 4 अरब साल पहले इस सेल ने नींव रखी आज का इंसान बनने की। इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इस सेल में मौजूद जीन्स इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकते हैं। तकरीबन 50 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही बना रहा और 50 करोड़ सालों के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अब इसे करीब 3.5 अरब साल पहले सिंगल सेल ने खुद की कॉपी बनाना शुरू कर दिया और खुद का ही एक क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया। ये एक अद्भुत घटना थी क्योंकि एक सेल का खुद का क्लोन बनाने से जीवन का एक नए रूप में फिर से नया जन्म हो सकता था और पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते थे। अगर ये सेल खुद का क्लोन न बना पाते तो पृथ्वी पर जीवन तभी समाप्त हो गया होता जब जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया था। 2 बिलियन सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल खुद की नई कॉपी बना देते और वो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर देते। लेकिन करीब 2 बिलियन सालों के बाद एक और अद्भुत घटना घटी। 2 सेल आपस में मर्ज हुए और उन दोनों के जीन्स आपस में कंबाइंड हुए। अब ये मर्ज सेल खुद का क्लोन बनाने लगे, जिनके क्लोन में अब एक नहीं बल्कि 2 सेल्स के जीन्स मौजूद थे। इस घटना के बाद जीवन की नई नई शाखाएं निकलने लगी। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पनपने लगी। जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। इन्हीं सेल्स से पानी के अंदर नई नई प्रजातियां बनती गईं, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे जिनसे हम बने। ये हैं महज 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म, जो अभी से 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले हमारे पूर्वज हैं। लेकिन ये अभी पूरी तरह से अंधे हैं। अभी तक इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो कुदरत ने इन्हें अभी तक आंखें भी नहीं दी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और खतरों से बचने के लिए आंखों की जरूरत है। इसके बाद करीब 20 मिलियन सालों का वक्त लगा ऐसे सेल्स बनने में जो प्रकाश को देख पाए, और फाइनली इन वॉटर वॉर्म का अंधेरा समाप्त हो गया। अब ये पहली बार इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से देखने योग्य बन गए, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब हमारे पूर्वज इस दुनिया को अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन अब आंखों के द्वारा देखी गई इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज इवोल्यूशन के चलते एक वॉर्म न रहकर एक मछली के आकार जैसे बन गए। हमारा दिमाग अब छोटे मोटे सिंपल डिसीजंस ले सकता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां बनती गईं, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थीं, और ऐसी ही खतरनाक प्रजातियों से अब हमें खतरा था। अगर हमें जीवित बचकर नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा बनना है तो हमें इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। और इवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र के पानी में सरवाइव करने के लिए हमारी चमड़ी अब कठोर हो चुकी थी, हमारे जबड़े और मजबूत दांत भी बन चुके थे। अब छोटे मोटे शिकारियों से हम अपनी रक्षा कर सकते थे। अभी से 375 मिलियन साल पहले हम एक आर्मर्ड फिश बन चुके थे। हमारी लंबाई तकरीबन 1 फुट थी और हमारा भोजन छोटी छोटी मछलियां थी। लेकिन अभी भी समुद्र पर राज तो किसी और का ही चल रहा था। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इन समुद्री मॉन्स्टर्स का भोजन बन जाएं और अपनी जर्नी को यहीं समाप्त कर दें, या फिर सरवाइव करने के लिए कोई और रास्ता चुनें। और हमने चुना उथला पानी। उथले पानी में समुद्री मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जिसको इससे पहले किसी भी मछली ने नहीं किया था। हमने पहली बार अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और पहली बार हवा को अपनी सांसों में खींचा। अब जो हवा हम खींच रहे थे उसके लिए हमारे शरीर में एक नए ऑर्गन का विकास हुआ, हमारे फेफड़ों का। अब हम इक्थियोस्ट्रेगा बन चुके थे। अब हम हवा और पानी दोनों की सांसें ले सकते थे। अब हमारे पास लंग्स और गिल्स दोनों ही थे। आज के समय में हमारे गिल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें गिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती और हम केवल लंग्स के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अभी भी गिल्स की मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बनी हुई है, जिससे कभी कभी हमें हिचकियां आती हैं। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने अपने सिर को पानी से बाहर निकाला और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने चले। हमारे सामने पानी से बाहर जमीन पर
पर एक खूबसूरत दुनिया नजर आ रही थी और पहली बार हम पानी से निकलकर जमीन पर आए जहां एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। ये वो अद्भुत पल था जब हमने नए जीवन की खोज में पानी को छोड़ जमीन को चुना था। यहां हमारे लिए खाना भी था और सांस लेने के लिए हवा भी थी। एक थियोस्टेगा वो मछली थी जो पानी से बाहर निकली थी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी तेज थी तो उसको सहन करने के लिए हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडों को जन्म देते और कुछ दिन बाद उनसे नवजात बच्चे निकलते और धरती की ये नई दुनिया उनका स्वागत करती। जब वो इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करते तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दिमाग और विकसित होता गया, हमारी बुद्धि का विकास होता गया और ये जरूरी भी था क्योंकि भविष्य में बुद्धि की वजह से ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन पृथ्वी की इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे, यहाँ भी हमारे कॉम्पिटिटर मौजूद थे जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती। इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए हमारी बॉडी में फिर से म्यूटेशन के चलते बदलाव हुए और हमारे जबड़े की मसल्स मजबूत होती गईं, जिससे हम बहुत ही तेजी से ज्यादा खाना खा सकते थे। अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी मजबूत बन चुके थे और अपने कॉम्पिटिटर्स का शिकार करने में भी सक्षम हो चुके थे। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चलता, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और ऐसा ही अभी से 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिघले हुए रॉक्स पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकलने लगे। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। पृथ्वी के ऐसे माहौल में वेजिटेशन खत्म होने लगा, प्लांट्स को खाने वाली प्रजातियां खत्म होने लगी, जिससे मीट को खाने वाली प्रजातियां भी खत्म होने लगी और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां खत्म हो गईं। बची हुई 5% प्रजातियों में हम थे और अन्य प्रजातियों के जीव जो एक दिन डायनासोर बनने वाले थे। धीरे धीरे प्रकृति की मार खत्म हुई और पृथ्वी का माहौल फिर से खुशहाल होता गया। जब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी पर मास एक्सटिंक्शन हुआ तब हम एक बड़ी छिपकली की तरह दिखते थे, लेकिन इस समय पीरियड में मास एक्सटिंक्शन के बाद अब हम एक बड़ी बिल्ली के आकार जैसे दिखाई देते हैं। अब हम अपने शरीर को घसीटकर नहीं चलते बल्कि अपने पैरों के सहारे आगे बढ़ने का दमखम रखते हैं। एक बड़ी छिपकली से इस आकार तक पहुंचने में हमें 30 मिलियन सालों का वक्त लगा है, जो कि अभी से 220 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए। ये प्रजाति एक भीषण प्राकृतिक आपदा को सहकर यहाँ तक सर्वाइव कर पाई है, लेकिन धरती पर हम इकलौते नहीं हैं जिसने ये आपदा सहन की। कोई और भी है जिसका विकास ऐसे हुआ कि उसकी अब इस धरती पर हुकूमत चलती है। ये है डायनासोर, अब इनका ही जमाना है। अगर हमें इस धरती पर सरवाइव करना है तो हमें इनसे अपने आप को बचाना होगा। ये डायनासोर छोटे रेप्टाइल से इवॉल्व होकर मास एक्सटिंक्शन को सहते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। डायनासोरों का विकास हमारी तुलना में बहुत तेजी से हुआ है, इसीलिए आज ये बहुत ही विशालकाय बन चुके हैं। इन भूखे डायनासोरों से बचने के लिए अब हमें नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। हमें ऐसा बनना होगा कि हम इनकी नजरों से छुप सकें और करोड़ों सालों तक छुपन छुपाई का खेल खेलते हुए अभी से 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा साइज छोटा होता गया और हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। हम जमीन के अंदर बिल बनाकर अपने आप को छुपाने लगे। अब हमें डायनासोरों के द्वारा देख पाना आसान नहीं था। हमारे शरीर पर घने बाल थे तो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा हमारे बालों में कैद हो जाती जो इंसुलेशन का काम करती और हमें ठंड से बचाती। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हालांकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती तो अब हमारे शरीर पर बाल भी कम हैं, क्योंकि अब हम अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल भी सकते हैं। खैर, अब भी डायनासोरों का खतरा हमेशा ही बना रहता था तो हमें चौकन्ना रहना होता था और जिससे पहले डायनासोर हमें देखें उससे पहले हमें उनका आभास होना चाहिए था। हमने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारी इंद्रियां और ज्यादा शार्प होती गईं। हमारे देखने सुनने और डायनासोरों को सूंघने की क्षमता बढ़ती गई और इससे पहले डायनासोर हमें देखते हम चौकन्ने हो जाते। अब हमारा दिमाग और जटिल होता जा रहा था क्योंकि अब हमें सिचुएशन के
हिसाब से तुरंत फैसले लेने की जरूरत थी। अब इंसानियत का भविष्य इस छोटी सी प्रजाति पर डिपेंड है। अगर ये अपने छोटे से दिमाग और तेज सेंसेज का इस्तेमाल करने में फेल हुए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इन्होंने इस बाधा को भी पार करना सीख लिया। हम इंसानों के लिए अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो थे डायनासोर। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और पावरफुल सेंसेज हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जहां खुद अपनी जान बचाने के लिए लेने के देने पड़ रहे थे, तो ऐसे माहौल में भला ये अपने अंडों की देखभाल कैसे करते। तो इन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और कुदरत ने इन्हें एक और शक्ति दी। वो शक्ति थी एक जिंदा बच्चे को जन्म देने की। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा, और उन नन्हे बच्चों को भोजन देने के लिए हमारी स्वीट ग्लैंड्स विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गईं, जिससे अब हम इस काबिल हो गए कि अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख शांत कर सकते थे। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब हमारी प्रजाति का इस दुनिया में सर्वाइव करना आसान हो गया। ये सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुईं, एक छोटे से चूहे से लेकर बड़ी वेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर हुकूमत चल रही थी डायनासोरों की, लेकिन कुदरत के सामने किसी की भी नहीं चलती। अभी से 65 मिलियन साल पहले एक बार फिर से पृथ्वी पर महाविनाश की घटना घटी। एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान अंतरिक्ष से तेज रफ्तार से आई और मेक्सिको के पास खाड़ी में जा टकराई। उस एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई। धूल के बादलों ने संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। इम्पैक्ट की वजह से जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे। पृथ्वी पर तीव्र भूकंप आने लगे। पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ गया कि इस पर चारों तरफ आग ही आग थी। वेजिटेशन जलकर ध्वस्त हो गया। डायनासोर जलकर राख में तब्दील हो गए। अकेले डायनासोर ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी बड़ी प्रजातियों के जीव भी अपना दम तोड़ने लगे। ये प्रलय इतनी भयानक थी कि हमारे पास अब सरवाइव करने का सिर्फ एक ही चारा था, धरती में बिल बनाए और उसमें छुपकर अपने आप को बचाएं। सौभाग्य से हम इस काम में काफी माहिर हो चुके थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर जितने भी भारी भरकम जानवर थे वो अब विलुप्त हो चुके थे। केवल छोटे छोटे जीव ही इस आपदा में सरवाइव कर पाए, और सौभाग्य से हम उनमें से एक थे। इस महाप्रलय ने फिर से पृथ्वी की 95% से ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। धूल, राख और धुएं के बादलों ने सूर्य की लाइट को ब्लॉक कर दिया। पेड़ पौधे खत्म हो गए। मेक्सिको की खाड़ी में शुरू हुई लोकल डिजास्टर कुछ ही पलों में एक महाप्रलय का रूप ले चुकी थी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है नव निर्माण, और कोई भी नव निर्माण हो उससे पहले पुराने निर्माण को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने भीमकाय जानवरों को खत्म कर एक नई प्रजाति को इवॉल्व होने का मौका दिया, और वो नई प्रजाति थी हम मैमल्स की। इस प्रलय में छोटे छोटे बग्स जैसे कि कॉकरोच आदि सर्वाइव कर गए। अब हमारा भोजन केवल यही थे। इन्हें ही खाकर हमारे पूर्वजों ने अपनी भूख शांत की और अपने आप को जिंदा रख पाए। आज हम इस धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का भी है, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। अगर आप घर में कोई कॉकरोच देखें तो उसको थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा अस्तित्व है। अब पृथ्वी पर मैमल्स डोमिनेंट कर रहे थे। उस समय हमारा साइज केवल 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदली। महाप्रलय को अब 5 मिलियन साल बीत चुके थे। वनस्पति जीवन ने एक बार फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। पेड़ों पर फल लगने लगे और पकने लगे, जिनमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद थे जो हमें चाहिए थे। सीधी सी बात है, हम जितना खाना खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ों पर उगते थे और हम जमीन पर रहते थे। तो मदर नेचर ने एक बार फिर से हमें सेलेक्ट किया, और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा एवोल्यूशन कुछ ऐसे हुआ कि अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर उछल कूद कर सकते थे और पेड़ों पर लगे फलों को खा सकते थे। अभी से
56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की इस नई दुनिया के पूरी तरह वासिंदे हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद कर हम अपना भोजन जुटा सकते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। आने वाले 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर शिफ्ट होने लगा। जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की किल्लत बढ़ने लगी। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से अपना काम किया। हमारी पूंछ गायब होती गई, हमारे हाथ लंबे होते गए, जिससे हम अपनी बाहों को स्ट्रेच करके फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए और मदर नेचर हमें बदलती गई। लेकिन पृथ्वी का ये बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स खींचने लगीं, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारों पर 3,500 मील लंबी पर्वत मालाएं बनी। कभी इंडियन ओशियन से पैदा हुए बादल पूरे अफ्रीका में पानी बरसाते थे, लेकिन अब उन बादलों को ये पर्वतमालाएं रोक रही थीं, जिस वजह से अफ्रीका के उस क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा, पेड़ खत्म होने लगे, जंगल खत्म होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी भाग में फंसे हुए थे जहाँ सूखा थी। प्रकृति का ये बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि अब हमें भोजन नहीं मिला तो हमारा सिंगल सेल से इतने कॉम्प्लेक्स जीव बनने तक का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जैसा आज से पहले हमारे किसी भी पूर्वज ने नहीं किया था। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हम आर्टिपिथिकस रेमिडस थे। हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। कभी यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन अब एक आधी पेड़ नजर आते हैं। हम इन पेड़ों की टहनियों पर खड़े हो सकते हैं, इन पर चल सकते हैं और छोटी छोटी शाखाओं पर लगे फलों को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी भूख शांत करने के लिए अब यहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं है। जो भी पेड़ मौजूद हैं वो दूर दूर हैं, तो अब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते हुए नहीं जा सकते। अब हमें उन दूसरे पेड़ों तक जमीन पर उतरकर चलकर ही जाना पड़ेगा। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर चलना सीखा। अब हम केवल 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे अब हमारे हाथ आजाद हो गए थे, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ों से फलों को तोड़ सकते थे। अब हमारा काम आसान हो गया था और तेज हो गया था। हम हाथों की मदद से बहुत सारे खाने को जुटा सकते थे। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास होता रहा और हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज चलने लगे। हम पेड़ों को छोड़ खुले मैदानों की ओर रुक कर चुके थे। 2 पैरों पर चलने के कारण हम तेज तो हुए, जिससे हमें खाना पानी और आसरा ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से चाइल्ड बर्थ में कठिनाइयां आने लगी, जिससे फुली डेवलप्ड बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने एक बार फिर से अपना काम किया। हम ऐसे बच्चों को जन्म देने लगे जो समय से पहले ही पैदा हो जाते। माँ की कोख में बच्चे का जो जरूरी विकास होना होता वो हो जाता और बचा हुआ डेवलपमेंट जन्म के बाद होता। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पर चलने में महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने शिशु को सालों तक दूध पिलाना होता है, उसकी केयर करनी होती है, तब जाके उसका शरीर फुली डेवलप्ड होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। कोई जानवर जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा जन्म लेने के कुछ ही मिनटों के बाद उछल कूद करने लगता है, दौड़ने लगता है, लेकिन ऐसा इंसानों के बच्चों में नहीं होता। अभी से 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथिकन थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर ही चलते रहते, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहे, जंगली जानवरों से अपना बचाव करते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया। और अभी से 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले की तुलना में 2 गुना हो चुका था। 2.3 मिलियन साल पहले हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टूल यानी पत्थर के औजार की खोज की, जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था।
ईस्ट अफ्रीका में अब हम इकलौते ऐसे प्राणी थे जो अपनी किस्मत का निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे हाथों में पत्थर के हथियार थे जिनका उपयोग हम शिकार करने के लिए कर सकते थे। हमसे पहले आज तक किसी ने भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई थी। हम सबसे अलग थे, ऐसा हमने अपनी बुद्धि के दम पर किया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी तो हमारे द्वारा बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। अपनी भूख शांत करने के लिए हमें दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को उनसे छीनना पड़ता। कभी कभी तो हमें अपने भाई बंधुओं से ही लड़ाई करके खाना छीनना पड़ता, और ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर का हथियार था जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। कई बार तो ऐसा होता कि जिस खाने को हथियाने के लिए हम लड़ाइयां लड़ते उसमें मीट खत्म हो जाती, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा रह जाता। अफ्रीका के उस हिस्से में पेड़ खत्म हो चुके थे, तो अब हमारे पास खाना जुटाने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, तो हमने अपने द्वारा हथियाई गई हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया जिनके अंदर बोन मैरो मौजूद थी, जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन थे जो हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए थे। हमारा लक अच्छा होता तो हमें ताजा मीट भी मिल जाती, नहीं तो सिर्फ बोन मैरो खाकर ही काम चलाना पड़ता। मजबूत हड्डियों के अंदर लॉक बोन मैरो को बाहर निकालने के लिए अब हमारे हाथों में एक शानदार टूल था। समय के साथ हम पत्थर के औजारों को जितना इस्तेमाल करते गए उतना ही हम उनको अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम होते गए। समय के साथ हमारे हाथों के अंगूठे बड़े होते गए, जिस वजह से टूल्स को होल्ड करना आसान हो गया। आज भी हमारे दैनिक जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है, बिना अंगूठे के तो मानो हम अधूरे ही हैं। आज आप जिस पेन को पकड़कर लिख पाते हो ये संभव हो पाता है सिर्फ अंगूठे की वजह से। इसके अलावा हम अन्य चीजों को अपने हाथों में बड़ी ही आसानी से होल्ड कर सकते हैं, ऐसा हो पाता है सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि अभी से 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों के जो टूल्स यूज किए थे उन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। क्रमिक विकास चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। यहाँ से पहले तक हम स्कैवेंजर्स थे जो किसी और के द्वारा किए गए शिकार को चुरा लेते, लेकिन अब हम हंटर बन चुके हैं। अब हम खुद से शिकार करते हैं और भोजन की किल्लतों को दूर करते हैं। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हम साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ में खाते हैं। अब हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, इतना तेज कि अपने शिकार को ही धराशाही कर सकें। एक दिन एक चमत्कार हुआ, आसमान से बिजली गिरी और आग लगी जो हमें गर्माहट दे रही थी और हमें ठंड से बचा रही थी। उस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मारे गए। मीट हमारे लिए बहुत कीमती थी तो हमने मीट को वेस्ट करना सही नहीं समझा। हमने पहली बार आग में भुने हुए मांस को खाया जो बड़ा ही स्वादिष्ट था और चबाने में भी आसान। भुना हुआ मांस कच्चे मीट के मुकाबले बड़ा ही स्वादिष्ट और लजीज लग रहा था। हमने आग को जलाना सीखा। ये खोज हमारी दुनिया को बदलने वाली थी क्योंकि नेचर की शक्ति अब हमारे हाथों में थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखती, हमें ठंड से बचाती, और सबसे अहम बात, अब तक हम मीट को कच्चा ही खाते आ रहे थे जिससे उसे चबाने और पचाने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आग की खोज ने हमारा काम आसान कर दिया। अब हम मीट को आग पर भुनकर ही खाते। भुनी हुई मीट को चबाने में हमारे जबड़ों की मसल्स को कम जोर लगाना पड़ता और उसे पचाने में भी बॉडी को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अब वो बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग में खर्च होने लगी जिससे हमारा दिमाग बड़ा होने लगा और हम स्मार्ट होते गए। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया, हमारे गले की मसल्स में बदलाव हुए जिससे अब हम तरह तरह की आवाजें निकाल सकते थे। हम एक दूसरे से बोलकर कम्युनिकेट करने लगे। भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा टूल साबित हुई। हमारे शरीर में यही एक पहेली बची हुई थी जिसको प्रकृति ने सुलझा दिया। अभी से 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से जटिल लाइफ बनकर अरबों सालों तक सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम आए। हम होमो सेपियंस, इस धरती के बुद्धिमान जीव जिनका दिमाग धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो चुका है। हम टूल्स का इस्तेमाल करते, भाषा का इस्तेमाल करते, हमने खेती करना सीखा, हमने पशुओं को पालना सीखा,
हमने ग्रुप समय रहकर गांवों और शहरों का निर्माण किया। हमने पहिए की खोज की, हमने रेल बनाई, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट्स बनाए। कभी भोजन की तलाश में हमने पेड़ों को छोड़ जमीन पर अपना पहला कदम रखा था, लेकिन आज हम ज्ञान की भूख में चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने संस्कृतियां बनाई, हम पृथ्वी के कोने कोने में फैल गए। हमने ज्ञान और विज्ञान को समझा। कभी हमें भोजन की भूख हुआ करती थी, लेकिन आज हमें ज्ञान और कुछ नया सीखने की भूख है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से, लेकिन आज हम बेहद जटिल और बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं। सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज का बुद्धिमान इंसान बनने तक के सफर में हमने ना जाने कितनी ही बार प्रकृति की मार को झेला, भीषण आपदाओं को झेला, लेकिन हमने जीने के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हम सीखते गए और प्रकृति के बदलते हुए माहौल में ढलते गए। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर करते जा रहे हैं। हमारे क्रमिक विकास का सफर यही खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के कोने कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर।